जी का न्यू अपडेट यानी 0.19.0 का अपडेट आ चुका है। प्ले स्टोर पर जाके प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए, करीबन 2 GB का आपको अपडेट पड़ेगा ये प्ले स्टोर में। ये अपडेट में बहुत चीज़ें नहीं आई है, मैप भी नया आ गया, लिविंग मैप भी आ चुका है, बहुत चीज़ें सेटिंग भी नहीं आ रखी है। तो आपके इस सेट और चेयर पैक भी चेंज हो चुका है, लेकिन हम आपको इसमें सेटिंग के बारे में बताएंगे सबसे पहले कि मेन सेटिंग क्या क्या आ रखी है। तो मेन होता है सेटिंग जानना कि सेटिंग में क्या क्या नई चीज़ें आ रखी है। तो उससे पहले आपको एक चीज़ बता दूँ कि जो मैप आ रखी है, दो मैप डिवाइड हो चुके हैं, क्लासिक में एक रैंक पुशर के लिए हो गया, एक दो रैंक पुश नहीं करते, दोनों मैप में दोनों सेम मैप है, आपको पता है, बस दोनों को डिवाइड कर दिया है कि आपको खेलना है तो रैंक पुश नहीं, आपको रैंक पुश नहीं करना तो आप अनरैंक क्लासिक मैच के लिए, अगर आपको रैंक पुश करना तो क्लासिक मैच खेलिए। तो एक ये एक सेटिंग है ये कि आपको, मतलब ये बता दिया मैंने, सिंपल सी है कि आपको रैंक पुश करना तो क्लासिक खेलिए, रैंक पुश नहीं करना तो अनरैंक क्लासिक मैच खेलिए। और आपको आप ले चलते हैं सेटिंग में, सेटिंग में क्या नए चेंजेस आए वो भी बताएंगे। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना। चलो सेटिंग खोलते हैं अपनी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बेसिक सेटिंग में आपको एक सेटिंग मिलती है, कैमरा रोटेशन विल लर्निंग, कैमरा रोटेशन विल ADS। इन दोनों का मतलब सेम है, बिल्कुल सेम है, कोई अंतर नहीं है, दोनों में इनेबल डिसेबल दे रखा है सेटिंग। तो आपको बता दूंगा इस सेटिंग में क्या होता है, जो बंदे स्कोप यानी जो अपना स्कोप एंड पिक एंड फायर थंब के पास यानी लेफ्ट हैंड साइड रखते हैं यानी अंगूठे के पास बिल्कुल, तो उसके बारे में अंतर बता दूंगा। तो सबसे पहले देखिए इन लोगों के लिए फ़ायदा है और अंतर क्या है। तो जैसे हम स्कोप ओपन करते हैं तो हम राइट एंड लेफ्ट करते हैं, ठीक है, नीचे आके, ये देखिए हमने स्कोप किया, नीचे आके हमने डिस्प्ले पे राइट एंड लेफ्ट करते हैं तब हमारा ADS घूमता है, यानी कैमरा व्यू और ADS दोनों घूमता है, ठीक है। ये देखिए अब जैसे हम कैमरा होल्ड करके, अब इस पर होल्ड करके कर दें तो देखो मूव हो रहा है, जैसे हम कैमरे पर होल्ड करेंगे ये देखिए हो रहा है ना, ये देखिए होल्ड किया कैमरे पर, ये देखिए कैमरे पर होल्ड किया, स्कोप पर होल्ड किया, सॉरी, अब देखिए राइट लेफ्ट हो रहा है स्कोप से ही, हमें नीचे नहीं आने पा रहा है डिस्प्ले पे, हमें ऊपर से ही कर पा रहे हैं आराम से राइट एंड लेफ्ट। ये हमारे लिए फोर फिंगर के लिए मुश्किल होगी जिनका स्कोप यहाँ होता है, लेकिन जो थंब खेलते हैं, जो राइट हैंड अपने लेफ्ट हैंड साइड पर रखते हैं सब चीज़ें थंब के पास, उनके लिए ईजी है। जैसे हम पिक एंड फायर आते हैं नीचे राइट एंड लेफ्ट कर रहे हैं, ठीक है, अब पिक पे होल्ड करके करेंगे तो देखिए, ये देखिए हो रहा है ना राइट एंड लेफ्ट, ये देखिए आराम से। ये सेटिंग का ये मतलब है, यानी आप पिक को होल्ड करके राइट एंड लेफ्ट कर सकते हो, डिस्प्ले पे आने की जरूरत नहीं होगी। अब देखिए जैसे डिसेबल करते हैं, अब पिक एंड फायर को होल्ड करते हैं, अब देखिए ये होल्ड किया, ये देखिए नहीं हो रहा ना, देखो बिल्कुल काम नहीं करता, ये देखिए बिल्कुल भी काम नहीं करता ये। अब इसको इनेबल करें, आप समझ गए होंगे इसका मतलब क्या है। अब देखिए काम करने लगा, अब होल्ड करेंगे, ये देखो आ गया, काम करने में आ गया, यानी ईजी सेटिंग है, आराम से आपको दो टू फिंगर दो थंब के नीचे रखते हैं अपने ये पिक एंड फायर, उनके लिए बहुत ईजी सेटिंग है। हमारे लिए जो मुश्किल होगी, हम फोर फिंगर वाले हैं, तभी भी हम ट्राई करेंगे उसको सीखने की। तो ये है पहली सेटिंग। दूसरी सेटिंग आपको बता दूँ इसी में ही बेसिक में, तो नीचे जाएंगे हम कहाँ पे ये रहा FPP डायनेमिक होल्डिंग, ठीक है, ये एक सेटिंग है, इसको इनेबल करेंगे पहले और डिसेबल करके दिखाएंगे आपको इसका मतलब है क्या। तो हम पहले FPP में स्विच होंगे, तो FPP की सेटिंग मेरी बिल्कुल कोने में रख सकता है, मैं स्विच करने का उसको थोड़ी दिक्कत होगी मेरे को, रुकिए 2-3 सेकंड, तब तक मैं इसको करता हूँ। ये देखिए हाँ, ये हो गया FPP। अब ध्यान से मेरी गन को देखिए, बस आप मेरी गन को देखिए, कहाँ मेरी गन कितनी आगे है, ठीक है, रेड डॉट कितना ऊपर है हमारा गन के, M4 से कितना ऊपर दिख रहा है रेड डॉट, दिखा आपको, ये देखिए कितना ऊपर दिख रहा है, नीचे गन कितना दिख रहा है, मतलब आप देखिए जैसे इसको हम कहाँ गया, जैसे इसको हम कहाँ है, ये रहा जिसको, जैसे इसको हम इनेबल करते हैं, ये देखिए गन नीचे आ गई, सब कुछ नीचे, यानी स्मॉल हो गया इस तरह से, यानी आप FPP की आप जब भी अब रैंक पुश करते हो, फाइट लेने आते हो, तो आपकी गन सबसे पहले थी, अब गन पीछे हो गई, यानी आपको ज़्यादा स्पेस मिल गया देखने के लिए एनिमी को। तो अच्छी सेटिंग है जो आप FPP में रैंक पुश करते हैं यानी FPP में खेलते हैं उनके लिए अच्छा है। देखिए फिर से गन देखो, हमने डिसेबल किया, गन कितनी आगे चली गई, ये देखिए कितनी आगे गन है हमारी, कितना सब कुछ दिख रहा है बिग, मतलब गन पूरी कवर, पूरा फेस के सामने कवर हो गया बिल्कुल अच्छी तरह से, मतलब बेकार लग रहा है ऐसे। लेकिन हम जैसे हम फाइट लेने जाते हैं तो इसको हम इनेबल करेंगे होल्डिंग को, कहाँ गया ये रहा, इनेबल करेंगे, अब देखिए गन देखो कितना स्मॉल हो गया, ठीक है, यही अंतर है इसमें FPP में, एक ये सेटिंग आ रखी है। और एक बस एक और भी सेटिंग आ रखी है मस्त सेटिंग, वो है कंट्रोल में, आपको कंट्रोल में ले जाते हैं पहले, सबसे पहले कहाँ है कंट्रोल, ये रहा कंट्रोल में जाएंगे, ये देखिए आपका जो किल इफेक्ट है, ये देखिए पहले इसकी सेटिंग नहीं थी, आप जहाँ मर्जी लगा सकते, आप किल इफेक्ट को जहाँ मर्जी जहाँ जितना भी बड़ा हो वहाँ लगा सकते हो, ये अच्छी सेटिंग आ रखी है, आपको जहाँ किल इफेक्ट दिखना वहाँ पर रखिए, आराम से मजे करिए, मतलब मजे क्या करिए, किल इफेक्ट हो गया आपकी मर्जी से जहाँ मर्जी रखना है, पहले तो ये PUBG वाले एक ही जगह रखते थे, वहीं से आपको किल इफेक्ट दिखना, आप तो अपनी मर्जी से कंट्रोल में जाकर चेंज कर सकते हो। और ये सेटिंग आ रखी है, आपको दिखी जाएगा अलग चीज़ सेटिंग रखिए किल इफेक्ट,
इफेक्ट सेटिंग सारा किया, यानी आप दिखा का है ये रहा इफेक्ट सेटिंग, यानी डैमेज कैसे पढ़ना चाहिए वो सब इसमें आ रखा है, रेड ग्रीन येलो ये देखिए सब दिखा रखा है, हिट कैसे पढ़ना चाहिए डैमेज कैसे पढ़ना चाहिए सब दिखा रहा है। तो आपको कैसे चाहिए उसे आप रख सकते हो अपनी फॉर्मेट डैमेज का, ये भी अच्छा एक सेटिंग है, ठीक है अच्छी भी सेटिंग है। और भी सेटिंग आपको बताता हूँ मैं, इसमें पिकअप में आया जैसे देखिए एक्सटेंडर और क्यूकडर और डिफॉल्ट, आपको जो रखने हैं मतलब जो उठाना है उसको रखिए, अगर दोनों उठाना तो दोनों रखिए, अगर एक उठाना तो एक करिए। तो ये वीडियो में और बस इतना ही है, बाकी और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, और फ्रेंड को ज़रूर शेयर करना कि उनको भी पता चले कि सेटिंग में क्या आ रखा है।